जब मैं रोज अपने चिकू मिंटू सोनू को बाहर सुखाने के लिए डालती हूँ तो सबके सब गायब हो जाते हैं या टूट जाते हैं बेटा। मुझे तो लगता है कि किसी पापड़ चोर भूत का काम है। मेरे दो साले हैं ना, मैं उन दोनों को आपके पास फौरन भेज देता हूँ, वो भूत को भगा देंगे। प्रीतम प्यारे, मेरे पैंट को इस्त्री कर दी। हो रही है जीजा जी, हो रही। पैंट इस्त्री हो गई? हाँ जीजा जी, पूरे पैंट के साथ। ये रेडी है? क्यों जीजा जी, हो गई ना एकदम कड़क इस्त्री? और नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। पिछले 300 सालों में तारा कोयला ने सिर्फ इंसानों का शिकार किया है, खुद कभी शिकार नहीं हुआ। प्रीतम प्यारे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमसे बदला लेकर रहूंगा। फिर से मेरा राज होगा, फिर से मेरा राज होगा, भूतों का राज, भूतों का राज। लगता है हमारा बुरा वक्त शुरू हो गया प्रीतम। जी, आपकी पैंट पे डेंट लगने की इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं आप हमें? इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? अरे हम वर्ल्ड क्लास भूत भागू हैं, वर्ल्ड क्लास भूत भगाऊ हैं, और आप हमें वो पापड़ चोर भूत की केस दे रहे हैं? Am I right, प्यारे? Yes, I am right, प्रीतम। ये जी, हमने दारा कोयला जैसे बड़े भूत को प्रिंटर के अंदर बंद कर दिया और अब हमारी इज्जत की प्रिंट आउट निकाल रहे हैं। अभी तो सिर्फ प्रिंट आउट निकाला है, अगर तुम दोनों ने मेरा काम नहीं किया ना तो मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा और गाल पे ऐसा प्रिंट छापूंगा जो जिंदगी भर कभी आउट नहीं होगा। दीदी मत चिल्लाओ, वो तैयार हो रही है, तुम्हारी आवाज उन तक नहीं पहुंचेगी। वो पापड़ चोर भूत मेरी मौसी को सता रहा है, जितना वो मेरी मौसी को परेशान करेगा उतना ही मैं तुम दोनों को परेशान करूंगा, इसलिए फौरन निकलो और उस पापड़ चोर भूत को पकड़ो, समझे? पापड़ चोर। पापड़ चोर भूत हमारे हाँ? हमारे हाँ। हो गया? कोशिश कर रहा हूँ प्रीतम, कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी करना भाई। हाँ, हो गया। हो गया? कॉल कनेक्ट हो गया? नहीं नहीं, डब्बे का ढक्कन नहीं लग रहा था ना, वो बंद हो गया। यहाँ हमें पापड़ चोर भूत को पकड़ना है, भूत मारे जी से कॉल कनेक्ट नहीं हो रही है, तुझे ढक्कन बंद करने की पड़ी। हो गया, कॉल कनेक्ट हो गया। हो गया। आप जिस भूत मारे से संपर्क करना चाहते हैं वो भूत मारे किसी एक्सपेरिमेंट के सिलसिले में बाहर गया है, कृपया करके आप अपना छोटा सा मैसेज इस लंबे से बीप के बाद छोड़ दें। हाँ तो बात दरअसल मैं बता रहा हूँ ना, अरे मैं बता रहा हूँ, अरे मैं बता रहा हूँ। वो क्या है? वो क्या है? जब तक भूत मारी जी से कॉल कनेक्ट नहीं होती है मैं काम करते हैं। हाँ जा। तू काम कर, तब तक मैं मेरी जी के साथ फोन पे बात करता हूँ। हेलो मेरी जी, आपकी आवाज तो आज बिल्कुल प्रीतम जैसी लग रही है। हेलो सॉरी। देख फोन मेरे पास भी है, फोन मैं भी कर सकता हूँ, फिलहाल तू हथियार के बारे में सोच जो भूतों पीढ़िया के बिना नहीं पता चलेगा। हाँ तो ये क्या भाई, रखा है ना भूतोपीडिया तुम्हारे सामने, ये भूतोपीडिया तो हमारी असली शक्ति है, इसी भूतोपीडिया की मदद से हम अलग अलग भूतों को भगाने के अलग अलग हथियार बना सकते हैं और भूतों को टिंचू टिंचू टाटा कर सकते हैं।
भूतोपीडिया। तारा स्प्रिंटर में कैद है और प्रीतम प्यारे भूतों की दुनिया में आतंक मचा रहे हैं। पता नहीं भूतों का भविष्य सुनहरा कब होगा। हाँ, 280 280 ओह सॉरी। लिखा है ऐसे भूत को मारने के लिए 22 तरीके हैं और हथियार 44। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, इतना रिसर्च किया है। खाक रिसर्च किया है, 22 तरीके आजमाने में और 44 हथियार बनाने में 100 दिन लग जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो काफी ज्यादा समय है भाई। एक काम करते हैं, हम लोग ना इनमें से कोई 2 हथियार चुन लेते हैं और फिर उन्हें बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। चुनेंगे कैसे? अब आगा बागा चुना है कि 2 चुना है? तुझे क्या पसंद है? 2 तो 2। ओम गाम सेम पेम पेम शेम गाम चाय पुत्रिना चाय उन चाय। तांत्रिक को ले आया। ये है वो तांत्रिक जो दारा को इस प्रिंटर से बाहर निकालेगा। निकालने पे आ जाऊं तो मैं टायर से हवा निकाल दूं। निकाल दूं? बॉटल से दवा निकाल दूं। निकाल दूं? समुंदर से रेत निकाल दूं। निकाल दूं? धरती से खेत निकाल दूं। निकाल दूं? फिलहाल तारा को इस प्रिंटर से बाहर निकालो। बस बस अब समझ लो दारा कोयला इस प्रिंटर से बाहर आ गया। आ गया? कहाँ आ गया? आएगा। मैं अब ऐसा हवन करूंगा कि दारा कोयला को इस प्रिंटर से बाहर आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। पिंकी, ए पिंकी क्या कर रही है बेटा? क्या कर रही? ये किताब पढ़ रही? नहीं। अरे वो देखो कौवा। हाँ। दादी छोड़ो ना, दिल मेरा तोड़ो ना, जोक की बुक तो पढ़ने दो ना। नहीं बेटा, तू आप जोक पढ़ेगी और तुझे समझ में बाद में आएगा और तू हंसेगी। तू हंसती है मुझे दौरा पड़ता है ना। दरवाजा खटखटाया है, लगता है कोई आया है, देखूं तो वो कौन है? पिंकी। शायद अभी इसको जोक समझ में आया। नहीं पिंकी, ये तो तुझे गधा बोल रही है। लेकिन देख तो तेरी तरफ रही है। जा पिंकी जा, डंडा लेके आ और इन गधों को भगा। ओह सॉरी, ये हम दोनों की बात कर रही है। लगता है जीजी ने इनको बता दिया कि वो भी हमें गधा ही बुलाते हैं। पिंकी, तुम्हें ये गधे दिखाई नहीं दे रहे? हाँ दादी, गधे रहे हैं, देख। टिक 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 टिक, अभी भगाती हूँ। क्या गति गति लगा रखा है? बताता हूँ, हम लोग गधे नहीं है। पिंकी, ये दोनों कर रहे हैं, जा इनको डंडे से मार भगा, नहीं तो ये मेरे सारे पापड़ खराब कर देंगे। मार पिंकी, मार, बिना इजाजत तुम दोनों ऐसे कैसे घुस आए हो? मेहमान बिन बुलाए हो? चलो अब कान पकड़ के सॉरी तो बोलो। सॉरी सॉरी, मुझे नहीं उनको। चलो सॉरी 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 सॉरी।
इंसानों की भाषा मत बोलो। खदे हो तुम ये मत भूलो, अब खदे की तरह सॉरी बोलो। मैं कौन हूँ दादी? और ये दोनों गधे की तरह क्यों बोल रहे हैं? अरे कमाल करती हैं आप ही ने तो हम दोनों गधा कहा, और गधा कहा तो इसको कहती कोई बात नहीं, मेरा दिल छल्ली छल्ली नहीं होता, मुझे भी गधा कह दिया, फिर हमारी डंडे से पिटाई करवाई, हम दोनों को भगाया, हम दोनों गधा की तरह हम बोल रहे हैं ओई, फिर आप कह रहे गधे की तरह क्यों बोल रहे? हाँ मैं समझ गई बेटा, मैं समझ गई। वो क्या है ना, पिंकी ने जोक पढ़ा होगा और वो हंसी होगी, और मुझे भ्रम का दौरा पड़ा होगा। तुम कौन हो बेटा? Well, thank you. मैं हूँ प्रीतम और ये है प्यारे। सॉरी, मैं हूँ प्यारे और ये है प्रीतम। नाम तो बता दिया, चेहरा भी दिखा दिया, अब काम तो बोलो। काम हमारे जीजा जी ने हमें भेजा है, मिस्टर टीकू किलावाला। अरे तुम टीकू के साले हो? अरे पिंकी, ये पापड़ चोर भूत को भगाने आए है ना? Well, thank you. मासी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, भूत अड़ियल हो या जड़ियल हमारे हाथों से नहीं बच सकता। हाँ? क्योंकि हम हैं भूत भगाने में एक्सपर्ट, प्रीतम और प्यारे। आओ बेटा आओ, चलो चलो आओ, तुम बैठो, मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। हाँ बैठो। हाँ मैं बैठता हूँ। ये भ्रम का क्या चक्कर है, और गधा क्यों कहा, हम कैसे कल से गधे दिखते हैं? आपको नहीं पता है, डॉक्टर ने ये कहा है, जब भी दादी को दौरा पड़े उस दौरान उनको पता नहीं चलने देना है कि उनको दौरा पड़ा है, इसीलिए हमें एक्टिंग करनी होगी, क्योंकि एक्टिंग करना है हमारा काम। अगर तुमने एक्टिंग नहीं की तो टीकू काका को बता दूंगी तुम्हारा नाम। क्या ये दारा को बाहर निकाल पाएगा? हाँ हाँ, थोड़ी देर में दारा कोयला हमारे सामने होगा। तांत्रिक कहाँ गया? मम्मी, उसके ये कैसा तांत्रिक है, ये तो गाने से डर गया। क्या ये दारा को बाहर निकाल पाएगा? हाँ हाँ, थोड़ी देर में दारा कोयला हमारे सामने होगा। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं इसे मालामाल कर दूंगी। क्या बात है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अगर ऐसा नहीं हुआ हाँ? तो ओपेरा गा गा के मैं इसे पागल कर दूंगी। अरे मम्मी को छोड़, मंत्रों को याद कर।
क्या सोच रहा था तू? क्या सोच रहा था? हाँ, हम यहाँ पापड़ चोर भूत पकड़ने आए हैं, ये मत भूल। मैं भूत के बारे में नहीं, अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था प्रीतम। मतलब? मैं सोच रहा हूँ कि शादी कर ली। शादी के बाद एक घर होगा, फिर मेरी जैसे बच्चे होंगे। हाँ? सॉरी, मेरे जैसे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। सोच सोच। मैं क्या सोचूं? बच्चे तेरे होंगे। अरे सोच, उनको कहानी क्या बताएगा ये सोच। आखिर वो प्यारे प्यारे बच्चे अपने प्यारे प्यारे प्रीतम अंकल की गोदी में ही आएंगे ना, उनकी गोदी में ही सुसु करेंगे ना, और उनसे ही कहेंगे ना, प्रीतम अंकल प्लीज हमें दारा कोयला की कहानी सुनाओ ना, सुनाओ ना। अरे सपनों के सौदागर, अरे सपनों के सौदागर, डी फॉर ड्रीम होता है तो डी फॉर डिलीट भी होता है, तो डिलीट मार और सीधा काम की बात कर। हम यह पापड़ चोर भूत पकड़ने आए हैं, समझा? हेल्प कर मेरी। और सुन, तेरे को शर्म नहीं आती? तेरा भाई कुंवारा बैठा हुआ है और तू बीवी ढूंढ रहा है? अरे भाभी ढूंढ। यहाँ खुद के लिए बॉबी नहीं मिल रही है, भाभी कहाँ से ढूंढूं? प्रीतम, मेरी जी के साथ जोड़ी कैसी रहेगी, सच सच बता दो। भूतोपीडिया, जिसमें हर तरह के भूतों को पकड़ने के और आजाद करने के तरीके लिखे हैं। मैं वहां जाऊंगी और भूतोपीडिया को यहाँ ले आऊंगी। अब दुनिया की कोई भी ताकत दारा को आजाद होने से नहीं रोक सकती। Well, thank you. मेरी जी के साथ जोड़ी बहुत सही जमेगी, एकदम गदर। अरे तो फिर तू मेरी जी के साथ शादी की बात क्यों नहीं कर रहा? शार, बात तो मैं कर लूं, लेकिन शर्म आती है। मतलब खुद बोलूंगा तो अजीब लगेगा ना? अरे मैं बोलूंगा तो और भी खराब लगेगा ना। अब दूल्हा खुद ही दुल्हन से अपनी शादी की बात कैसे कर सकता? दूल्हा? मेरी जी का? पागल हो गया तू? मैं अपनी और मेरी जी की जोड़ी की बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरी जी तेरी कब हुई? मेरी जी मेरी थी। अरे मेरी जी तो मेरी थी पूरे सपने में। मेरी 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 प्रीतम प्यारे मेरी है। देखा, मैं मेरी मेरी जी को कितने दिल से याद कर रहा हूँ कि अब सामने नजर आ रही है। मुझे कौन सी दीपिका नजर आ रही है, मुझे भी तो मेरी जी नजर आ रही है। ए? लेकिन तू वही सपना क्यों देखता है जो मैंने देखा? ये चीटिंग है। तू वो सपना देखता है जो मैंने देखा है। ओहो हो हो, प्रीतम प्यारे सुनो, मैं ही हूँ। मेरी जी चिमटी काटी है? इतने जोर से क्यों काटी? सॉरी। अच्छा, मुझे सर ने बताया कि तुम लोग यहाँ पर कोई पापड़ चोर भूत को पकड़ने आए हो, तो मैंने सोचा कि तुम लोगों की हेल्प कर दूं, इसलिए आ गई। देखा देखा, मेरी मेरी जी को मेरी कितनी फिक्र है। उन्हें तेरी नहीं मेरी फिक्र है। हाँ मेरी जी, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले भूत पकड़ने का सेटअप लगाते हैं। मत गाइए। जब तक दारा स्प्रिंटर से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक तुम्हें ये टॉर्चर सहन करना होगा। उसकी समझाओ इसे। वैसे मुझे समझाने की आदत तो है नहीं, फिर भी समझा रहा हूँ। कोई रास्ता ढूंढो। एक मिनट, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। भूतोपीडिया, जिसमें हर तरह के भूतों को पकड़ने के और आजाद करने के तरीके लिखे हैं। अगर किसी भी तरह हमने उस भूतोपीडिया को हासिल की तो हम दारा को आजाद करा सकते हैं। ये अच्छा मौका है। मैं वहां जाऊंगी और भूतोपीडिया को यहाँ ले आऊंगी। अब दुनिया की कोई भी ताकत दारा को आजाद होने से नहीं रोक सकती। भूतों का बादशाह कह ढाएगा, दारा कोयला आएगा, आएगा, आएगा। उसकी खुशी।